यहाँ पर अभी मैं पिंगलेश्वर में हूँ और बारिश देख लीजिए ये किस हद तक बारिश यहाँ पर हो रही है। तेज रफ्तार हवाएं चलती है, यहाँ पर खड़े रह पाना मुश्किल हो जा रहा है। जबरदस्त बारिश और ये ऐसा ये लगभग 100 की रफ्तार से ये स्पीड होगी, अभी अंदाजन ये कर सकते हैं। खड़ा रह पाना मुश्किल हो पा रहा है, कैमरा पूरी तरीके से अभी ये कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है। देखिए ये बारिश देखिए, इसकी रफ्तार देखिए, तेज रफ्तार के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही है, बारिश भी चल रही है और कैमरे के सामने देख नहीं पाते इस हद तक यहाँ पर स्थिति है। और ये पिंगलेश्वर का इलाका जो अबड़ासा और इसके पास में बिल्कुल ये समुद्र तट है, पूरे इलाके को खाली पहले ही करा दिया गया है। और ये यहाँ पर अगर पेड़ को देख पाए अगर मैं कैमरामैन अनूप से कहूँगा, हालांकि बेहद मुश्किल हो जाता है ऐसे में जब रिपोर्टिंग करना, जब आपको अंदाज़ा नहीं लगता कि तस्वीरें किस तरीके की होगी। हम दिखा सकते हैं कि कैसे देखकर सड़क पर आप देखना दिखाना चाहूँ कैसी तेज़ हवाएँ चल रही हैं, कंट्रोल में नहीं है ये स्थिति। अभी ऐसी तेज और बारिश हो रही है हवाओं के साथ, आप कैमरे के सामने भी ना देख पाए इस हद तक बारिश हो रही है। और पूरे इलाके में पिंगलेश्वर का इलाका और यहाँ पर पूरे जो 300 लोग थे, जो बहुत छोटा सा कस्बा है, वहाँ से सारे लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है, सुरक्षित जगह पर दिया गया है। और देखिए अभी हमने दिखाऊंगा कैसे तेज हवाएं चल रही है, इतनी खतरनाक तेज हवाओं के साथ साथ बारिश भी हो रही है, मुश्किल हो पा रहा है यहाँ पर खड़े रह पाना कि कैसे किस यहाँ पे देखिए जिस हवाओं के साथ ये बारिश होती है तो ऐसे में रिपोर्टिंग भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया मौके पर है, यहाँ पर जगहों के पास आपको हर तस्वीर वो पहुँचाएगा, सामने जीरो विजिबिलिटी है, आप कुछ न देख पाए उस तरीके की स्थिति। और ये देखिए कितनी तेज हवाएं चल रही हैं और यहाँ लिटरली खराब रह पाना मुश्किल हो पा रहा है। ऐसे में देखिए यहाँ पर 37,000 से ज़्यादा, गुजरात की बात करूँ 37,000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिया गया है। जो लोग नहीं निकले घरों से वो इस तस्वीर को देख ले, इस मंजर को देख ले कि अभी ये साइक्लोन हिट नहीं हुआ, साइक्लोन हिट होगा तब क्या स्थिति होगी। अभी ये इससे पहले की स्थिति है, इतनी तेज़ हवाओं के साथ बारिश होती है और 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब अगर हवाएं आती हैं तो उस समय स्थिति क्या होगी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे में जो लोग नहीं निकल पा रहे या सुरक्षित जगहों पर नहीं पहुंचे वो तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा लीजिए, प्रशासन को मदद कीजिए, क्योंकि मैंने कई जगहों पर देखा कि लोग वहाँ पर नहीं निकल पा रहे थे और रेस्क्यू रिलीफ में वहाँ पर दिक्कत आ रही थी। लेकिन ये तस्वीरें कहने के लिए काफ़ी है कि स्थिति यहाँ पर किस तरीके की है, यहाँ पर खड़े रह पाना मुश्किल हो जा रहा है। बारिश आती है, रुक जाती है, वापस कुछ मिनटों में बारिश शुरू हो जाती है। हालांकि अभी थोड़ी देर बाद हवाएं थोड़ी कम हुई हैं लेकिन अभी भी बारिश इस इलाके में पिंगलेश्वर में जारी है। हम तस्वीरें ओपल पर की न्यूज़ 18 इंडिया की स्क्रीन पर आपको पहुँचाएंगे कि किस तरीके की स्थिति है, चाहे देवभूमि द्वारका की बात हो, चाहे कांडला की बात हो, चाहे सोमनाथ की बात हो, चाहे जखऊ की हो, मांडवी की हो, नलिया की हो, वो सारी तस्वीरें हम न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाएंगे हर पल पल की खबर। फिलहाल अभी यहाँ पर बारिश चल रही है लेकिन अभी भी थोड़ी रुकी है यहाँ पर, लेकिन लगातार इस तरीके के स्पेल, भारी बारिश के स्पेल जो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया देवभूमि द्वारका और कच्छ को, वो फिलहाल अभी यहाँ पर देख पा रहा है। तेज़ हवाएं साथ साथ बारिश और रेड अलर्ट के चलते यहाँ 12 से 15 इंच बारिश कभी भी हो सकती है। ऐसे में अलग अलग स्पेल में फिलहाल बारिश हो रही है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर यहाँ से पहुँचाया जा रहा है। देखिए ये अभी अभी आपको मैं और कुछ तस्वीरें यहाँ देखिए, कैमरे को मैं थोड़ा बैक लेके जाऊंगा क्योंकि सामने की ओर से बारिश है, तो कैमरामैन अनूप जरा पीछे जाते जाते आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से तेज़ हवाएं यहाँ पर चल रही है। और हवाओं के चलते ये देखिए ये पेड़ की ओर इस तरफ जाएंगे तो और हम आपको दिखा पाएंगे, लेकिन अभी भी तेज़ हवाएं, बारिश थोड़ी रुकी है यहाँ पर, लेकिन तेज़ हवाएं अभी भी जारी है। 70 से 80 की रफ्तार होगी इन हवाओं में और मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े रह पाना मुश्किल हो पा रहा है, पूरी तरह से हम रेनकोट पहना हुआ है फिर भी तेज़ हवाएं और के साथ बारिश है कि हम अंदर भी पूरे गीले हो गए हैं इस तरीके से। और ये देखिए तस्वीरों में कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर खड़े रह पाना मुश्किल होता जा रहा है, कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर धारा 144 लगाई गई थी तो केवल 2 पुलिसकर्मी यहाँ पर कोस्टल सिक्योरिटी में यहाँ पर रखे गए हैं जो यहाँ पर आगे जाने के, चूँकि यहाँ खतरा आगे और बढ़ता रहा है, वहाँ पर फुल टेक्निकल ग्लिचिंग है, इसके चलते हम समुंदर की ओर नहीं जा पा रहे फिलहाल। लेकिन वो तस्वीरें भी हम यहाँ पर जो उफान पर समुंदर है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएँगे और किस तरीके की स्थिति
कच्छ में यहाँ पर बनी हुई है, और जिस तरीके से मैंने कहा 521 चूंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर।